विधायक मुल्कराज प्रेमी ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सरकार द्वारा जनहित में जारी की गई योजनाएं जनता तक पहुंचे, उनका लाभ जनता को मिले। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खीर गंगा घाट के पास पार्किंग का निर्माण करवाना, घाट को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना, बैजनाथ में बस अड्डे का निर्माण उनकी प्राथमिकताएं हैं, अतः संबंधित विभागों के अधिकारी इन विकास कार्यों के प्रति ढील न बरतें। विधायक मुल्कराज प्रेमी ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि सरकार द्वारा जनहित में जारी की गई योजनाएं जनता तक पहुंचे और उनका लाभ जनता को मिले। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरी खीर गंगा घाट के पास पार्किंग का निर्माण करवाना, घाट को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना, गर्म पानी के कुदरती चश्मे तत्वानी, होली उत्तराला सड़क निर्माण, बीट बिलिंग को विकसित करना, बैजनाथ में बस अड्डे का निर्माण उनकी प्राथमिकताएं हैं, अतः संबंधित विभागों के अधिकारी इन विकास कार्यों के प्रति ढील न बरतें। कोताही करने वाले किसी भी विभाग के अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। मुल्कराज प्रेमी ने बैजनाथ परपरोला के अधिकारी से कहा कि इसी नपम के नाम पर मेरा सर झुकता है, अतः वे अपनी कार्य प्रणाली का सुधार करें। उन्होंने बैजनाथ अस्पताल के SMO से कहा कि अगले 2 दिनों में यहाँ और विशेषज्ञ डॉक्टर आ जाएंगे, अतः इस अस्पताल को रेफर अस्पताल न बनाए, अलबत्ता आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। उसमें उत्तराला होली का मार्ग भी था, ततवानी का था, और ये जो घाट खीर गंगा घाट की बात मैंने की, महाकाल घाट की बात की थी, और दूसरा जो सड़कों की बात थी, और विशेषकर जो कुलों की बात की थी, आज इसमें जो पीने के पानी की व्यवस्था की, तो आज करोड़ों रुपये की शुरुआत जो आज बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है, उसके लिए थोड़ा समय लगता है, मगर जो है कि आने वाले 1 वर्ष में विकास जो यहाँ पर जो जितने भी जो रुके काम थे, आप जो है उसका पूर्ण रूप से सुचारू रूप से आपको दिखाई देंगे। जो कमी थी उसको पूरा किया जा रहा है। आज ही जो है कि मेडिसिन का डॉक्टर जो आज ज्वाइन करने जा रहे हैं, और 2 डॉक्टर जो हम जी पहले यहाँ पर भेजे हैं, और मुझे लगता है कि 2-3 जो है उसकी वो भी आने वाले हैं। तो जो निश्चित तौर पर जो काफी वर्षों से यहाँ पर जो कमी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर मुल्कराज प्रेमी ने कहा कि आज भी गरीब लोगों के कार्य नहीं हो पा रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को वे सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो सरकार उन्हें उपलब्ध करवा रही है। कुछ विभागों में आया पैसा लैप्स हो गया है, इनका कौन जिम्मेदार है? आज बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के सभी अधिकारियों के साथ जो आज बैठक, उस बैठक में विशेषकर यही आज ये था कि विकास कार्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर पहुंच रही हैं या नहीं, तो आज उसी के बारे में लेखा जोखा आज यहाँ था। तो मुझे लगता है कि आज हम बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में जो विकास के कार्य हो रहे हैं उसमें जो बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र है वो पंक्ति के आगे बढ़ रहा है, और इसमें आज तो इस यहाँ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो बैजनाथ विधानसभा के ऊपर जो आशीर्वाद रखा है, जिसके चलते आज विकास की गंगा बढ़ रही है, और सभी कर्मचारी जो है एक बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आज मुझे लगता है कि बैजनाथ में कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाली है, जो विषय मैंने विधानसभा के अंदर रखे थे। इस दौरान SDM छवि मांडा सहित उपमंडल के सभी अधिकारी मौजूद रहे।